आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मेरे पीछे आप देख रहे हैं जॉर्जिया एक्वेरियम। तो फाइनली 6 महीने बाद मेरा आज प्लान बना है जॉर्जिया एक्वेरियम देखने का। सुना है वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्वेरियम है, तो चलते हैं देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। मेरी जो टिकट है 11 बजे की है, लेकिन अभी 11:10 हो चुके हैं, तो मैं फटाफट एंट्री लेता हूं और आपको बताता हूं टिकट वगैरह कैसे ले सकते हैं। और हां, आज की मेरी जो टिकट है वो फ्री है, तो आप भी फ्री टिकट ले सकते हैं, लेकिन उसकी डिटेल मैं वीडियो के एंड में दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अभी चलते हैं एक्वेरियम घूमते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक्वेरियम के अंदर कोई भी फूड आइटम अलाउड नहीं है। इवन आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं, बट वाटर बॉटल ले जा सकते हैं और बच्चों के लिए कोई छोटे मोटे स्नैक्स भी ले जा सकते हैं। एंट्री लेने के बाद सबसे पहले हम पहुंचे शार्क देखने। अभी हम लोग शार्क जो थे उनको देख के आए हैं, और अभी सी लायन का एक शो होने वाला है जो कि थिएटर है, तो वो हम लोग देखने जा रहे हैं। इसकी टिकट वगैरह कुछ नहीं है, बाहर एक क्यूआर कोड था उसको स्कैन किया और उसके बाद हम लोग को डायरेक्ट एंट्री मिल गई है। तो अगर आप लोग सी लाइन की टिकट ऑनलाइन रिजर्वेशन कर रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी आके क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो आपको सीट मिल जाती है, बट सीट लिमिटेड होती है, तो इस बात का ध्यान रखते हैं। तो चलते हैं देखते हैं सी लाइन पूरी शो और आपको दिखाते हैं। और आप देख सकते हो लाइन कितनी लंबी है पीछे तक, जो ये बहुत बड़ी लाइन। हमने सी लाइन शो देखा जो कि फ्री था, मैंने आपको बताया ही। अभी थोड़ा सा एक्वेरियम घूमेंगे, फिर 1 बजे डॉल्फिन शो की टिकट मैंने ले रखी है, जो कि रिजर्वेशन मैंने उसका कर रखा है, तो अभी वो भी देखने चलते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक्वेरियम घूम लेते हैं और फिर चलते हैं डॉल्फिन शो देखने। उसके लिए आपको 15 मिनट पहले ही लाइन लगानी पड़ेगी। डॉल्फिन शो का आप ऑनलाइन सीट बुक कर सकते हैं, लेकिन ऑडिटोरियम बहुत बड़ा है तो आपको फ्री एंट्री भी मिल जाती है, तो लेकिन ये है कि प्रेफरेंस पहले रिजर्वेशन वालों को मिलेगी। तो आइए पहले एक्वेरियम घूमते हैं, फिर देखते हैं डॉल्फिन शो।
अब हम लोग जा रहे हैं डॉल्फिन शो के लिए। तो डॉल्फिन शो की टाइमिंग है 1, 3, और 5, तो 3 शो होते हैं दिन में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं डॉल्फिन शो के लिए, तो चलिए देखते हैं थिएटर में कैसा होता है डॉल्फिन शो। फूड कोर्ट में आपको ना सी फूड मिलता है ना वेजिटेरियन ऑप्शन, और जो फूड मिलता है वो भी इतना कुछ खास नहीं है। अभी हमने डॉल्फिन शो देखा जो बहुत अच्छा था, तो अगर आपको टिकट नहीं लेनी, प्रीफर्ड सीट नहीं लेनी, तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, ऑडिटोरियम बहुत बड़ा है। अभी फूड कोर्ट भी गए थे, फूड कोर्ट में ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, वेज के लिए भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। तो अब हम लोग जा रहे हैं बाकी एक्वेरियम को विजिट करने और आपको और अभी हम जा रहे हैं टनल देखने जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। और यहाँ पे नीचे एलिवेटर भी है जिस पर आपको सिर्फ खड़े हो जाना है और अपने आप टनल को आप देख लोगे।
तो ये एक होल जैसा है जहां से आप आके इनको देख सकते हो और टनल में से आपको आना पड़ेगा। तो अभी आपने देखा कि कितनी सारी चीज़ें थी देखने के लिए। तो अगर आप अटलांटा में हैं तो जॉर्जिया एक्वेरियम जरूर विजिट करें, आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। ये लास्ट एरिया है जो अभी हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, ट्रॉपिकल डाइवर। तो इसको भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं ये कैसा है। तो अभी हम लोग जॉर्जिया एक्वेरियम से बाहर आ चुके हैं और अंदर बहुत मज़ा आया। तो अगर आप लोग जॉर्जिया एक्वेरियम का प्लान बना रहे हैं तो पूरा दिन लग जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करें। और हाँ, अगर आपका बर्थडे है तो बर्थडे वाले दिन एंट्री फ्री है। तो मेरी ऐसी ही एंट्री फ्री थी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि अगर आपका बर्थडे है तो आपको एंट्री फ्री में मिल जाएगी। और बर्थडे वाली जो टिकट है वो भी आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। और अंदर डॉल्फिन और सी लाइन जो शो है आप वो फ्री में देख सकते हैं। डॉल्फिन में अगर आपको प्रीफर सीट चाहिए, प्रीफर वाली जो मतलब अच्छी सीट होती है, उसके लिए आपको $5 पे करना होगा। ऑनलाइन बुक आप कर सकते हैं। अंदर कोई भी फूड आइटम अलाउड नहीं है, कोई कोल्ड ड्रिंक अलाउड नहीं है। वाटर बॉटल आप ले जा सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें अलाउड हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नए दिन के साथ, नई जगह के साथ।